करता हूं कि भाई साहब ये चार सेक्शन का एक एक्ट ले आइए, किसी की भारत में औकात नहीं होगी कि वो दंगा फसाद करे, भारत में किसी की औकात नहीं होगी कि वो लव जिहाद करे, भारत में कोई किसी की औकात नहीं होगी कि ISI का जो है ना वो एजेंट बन जाए, किसी की औकात नहीं होगी। और बड़ा छोटा सा चार सेक्शन का एक्ट है जो मैं चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचे, अभी समय है, अभी भी वो इनेक्ट किया जा सकता है, और यदि वो नहीं करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त 2024 में कर ही रहे हैं, इसमें कोई मुझे कोई बहुत इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमने उनको वोट दिया है, लिहाजा ये उनकी जिम्मेवारी है और मेरी तरफ उनकी जवाबदारी भी है कि जो एक्ट मैं कह रहा हूं उसे वो बनाए। तो मैं आपको चार सेक्शन का छोटा सा एक्ट बताऊं क्या? बताओ। तो ये कह रहा है कि साहब आर्टिकल 25 का उल्लंघन एक बहुत जघन्य अपराध होगा और इसका एक्ट का नाम देंगे प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 आपको क्या हक दे रहा है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक जिस धर्म को मानना चाहे वो मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। अब बताओ कोई भी मुसलमान क्या ये कह सकता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा, या कोई भी हिंदू ये कह सकता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? भारत के नागरिक को जो धर्म मानना है जिससे उसे मुक्त मिल रहा है, हमारा संविधान उसका इजाजत दे रहा है। क्या किसी मुसलमान की ये औकात हो सकती है कि वो कहे कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हुरें भी मिलेंगी, ये क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? तो आर्टिकल 25 का उल्लंघन एक जघन्य अपराध बना दिया जाएगा। उसका सेक्शन 2 कह रहा है कि भाई साहब जमानत नहीं मिलेगी, जमानत केवल एक ही परिस्थिति में मिलेगी यदि की गई रिपोर्ट झूठी है। मतलब आपने आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं किया है, किसी ने झूठा कह दिया है तो आपको जमानत मिल जाएगी। फिर क्राइम फ्री भारत के जो ट्रायल मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल का मॉडल है, उसके तहत 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा और जो सजा होगी वो मिनिमम 15 साल की होगी। ये हो गया सेक्शन 3। अब बताइए सेक्शन 4 है जो कह रहा है कि जो भी इस अपराध का दोषी होगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि उस अपराधी के पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है तो वो अवैधानिक घोषित हो जाएगी और उस संस्था की भी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब मुझे बताओ भारत में कोई दंगा करा सकता है क्या? भारत में कोई घटियापन कर सकता है क्या? भारत में कोई घटिया कमेंट कर सकता है क्या? क्या कहते हैं आप? नहीं कर सकता है ना। तो माननीय मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बनाया है। यदि उनकी नियत जो है सच में एक अच्छा भारत स्थापित करने की होती तो जो नियम मैं कह रहा हूं वो नियम बनाते। और कांग्रेस तो एकदम घटिया पार्टी है। कांग्रेस का देखिए आप, उसने एक कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट बनाया, 2 बार कोशिश की उसे पार्लियामेंट में से पास कराने की, 2005 में और 2011 में। मिस्टर साव वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसे पढ़ लो, पागल हो जाओगे आप कि भारत में कोई ऐसे ऐसा एक्ट बनाने की बात भी सोच सकता है जिसमें इतने सारे प्रिजंप्शन हैं कि मिस्टर साव उसके सामने से निकल रहे हैं बिना किसी अपराध के, बिना किसी एक्शन के आप अपराधी हैं। जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उसका ड्राइवर भी अपराधी है, आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। ये कैसे देश में आप जा रहे थे? कितनी घटिया है कांग्रेस। तो वहां जवाहरलाल नेहरू घटिया है। अब किसी ने मुझसे कहा कि भाई देखिए इंदिरा जी ने कितना बढ़िया काम किया, तो हमने कहा बहुत बढ़िया काम किया। 93,000 जो है ना सेक्शन जो है ना सैनिक गिरफ्तार होने के बाद बिना बार्गेन किए उनका एरिया उनको दे दिया और हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर उनके पास बना रहने दिया। कितनी महान नेता है, इतनी महान नेता है कि जिसने जो है उस आजादी की भूमिका निभाई, उस फील्ड मार्शल को जो है इन्होंने
पेंशन नहीं दी। अभी आपने सुना होगा कि अब्दुल कलाम उससे मिलने गए तो बातों बातों में उन्हें मालूम पड़ा कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। तो एक सप्ताह के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कमाल कलाम जी ने उनका जो है पेंशन का चेक उन तक पहुंचवाया। और फील्ड मार्शल जी जो है ना वो इतने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने बिना समय गमाए उस पूरी पेंशन को जो है वेलफेयर फंड में जमा करा दिया। तो उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन कितने दुष्ट लोग हैं ये इतने दुष्ट लोग हैं कि इन्होंने अपने ही जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की मौत होने पर उसका दफनाना जो है वो दिल्ली में नहीं दफनाने दिया। उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया। उसके लिए इन्होंने कांग्रेस के कार्यालय में ताले लगाए। सभी कांग्रेसी देशद्रोही हैं, दुष्ट हैं। तो यदि कांग्रेस महादुष्ट है तो भाजपा भी दुष्ट है। अब सभी दुष्टों की पराजय तय है। अब बताओ मिस्टर साहब, कितनी ऊर्जा के साथ आप चंद्रगुप्त को पहचान के उनको, क्योंकि समय कम बचा है, क्या आप पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार हैं?